मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे को ऑफिस जाने का टाइम है, इसमें कोच को प्लेयर्स को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू इन दिस आर दिस सेशन, थैंक यू सो मच मैम। नाउ आई रिक टुडेज आई वेलकम आवर टुडेज एक्सपर्ट कोच Mr. L. Janta Kumar, ICF ITO Level 3 Expert Coach, Ex-Master Chief Petty Officer, Indian Navy. I welcome you, sir, and I request you for the introductory and explanation part. Okay, thank you Kiran ma'am. Good morning to all participants. Good morning Sri Venkateshwar sir, thank the NCOE, and good morning all coaches and paddlers. Aaj hum ye session shuru karne se pehle aaj aap education part shuru kar rahe hain. Am I audible Angre sir? Yes sir, yes sir. Okay. सर आप स्लाइड शेयर कर दीजिए, हम तुरंतली शुरू कर देते हैं एजुकेशन पार्ट, ज़्यादा कंक्लूजन पार्ट में कहीं कुछ रह गया तो डिस्कशन कर लेंगे। ओके राइट सर। चलो आज का यस पहला स्लाइड से शुरू कीजिए। खिलाड़ी सब आगे आ जाइए, देखिए आज जो आप करने जा रहे हैं, चाहे केनो हो कयाक हो सब देख लो। उस हमने पहले वाला पार्ट में कयाक का कवर किए थे, आज हम केनो के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, आपको बेसिक चीजें बता रहे हैं। डीपली आप जब इसके बारे में टाइम निकाल के पढ़िए, ये अंग्रेज को साहब ने बनाया है, वो आप शेयर कर देंगे। आप लोग इसके बारे में कुछ दाव दे तो अपने अपने रेस्पेक्टिव कोचेस से पूछ लीजिएगा, और अगर जिसके पास कोच नहीं है तो अंग्रेज साहब अवेलेबल है, मैं भी हूँ, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं आपके, आपको पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए कोचेस को सिखाया जाता है, और आप फिर आपको तो आपको भी इसको आप खुद जानोगे तो आपको असर अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है, तो केनो हो कयाक हो आपको सब कुछ जानना जरूरी है। इसमें जब आप केनो के बारे में सीखोगे तो कयाक के बारे में भी आपका कयाक के बारे में भी आपको जानकारी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक जो है स्पेसिफिक एंड्योरेंस के ऊपर है। ठीक है, आज का स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है स्पेसिफिक एंड्योरेंस मींस आप स्पेसिफिक पैडल सेटिंग, आप हमारा स्पेसिफिक मतलब है बोट चलाना। ठीक है, बोट चला के बोट में हमारा एंड्योरेंस कैसे बढ़ाया जाए वो उसके ऊपर है। मगर जब आप एंड्योरेंस के लिए जाते हैं तो कोई मूवमेंट आप बार बार लगातार करते हैं, है ना, हर बार 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 एक घंटे तक डेढ़ घंटे तक करते हैं, तो वो मूवमेंट अगर आपने सही ढंग से नहीं किया तो आपने जो मेहनत किया वो व्यर्थ हो जाएगा, उसका फल मिलेगा। मगर जितना आपको मिलना चाहिए, आप इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने वाला खिलाड़ी नेशनल लेवल में सीमित रह जाएगा, क्योंकि आपकी मूवमेंट में कमी आ जाएगी, है ना, आपकी परफॉर्मेंस उतना नहीं मिलेगा। तो आपको ये बहुत जानना जरूरी है, जैसे आप इंटरमीडिएट में आ गए, आप लोग सब जूनियर हो, जब सब जूनियर से आप जूनियर में आगे सीनियर में आने वाले हो, कोई तो कोई कोई सीनियर भी है, तो ये सब चीज़ें में आप चीज़ों में शुरुआत में अगर ध्यान नहीं दोगे तो आगे जाके आपको सुधारने में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा स्पोर्ट जो है फिर कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट भी है, आप अकेले नहीं चलाते हो, कभी आपको डबल भी करना पड़ता है, फोर भी करना पड़ता है। अगर अकेले भी चलाते हो तो आपके बहुत सारे कोऑर्डिनेशन आपके बॉडी के अंदर, आप खुद के अंदर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका पाँव का, हाथ का, हिप का, शोल्डर का, तो ये सब कोऑर्डिनेशन कब मिलेगा, तब आप एक बोट में अच्छा पोजीशन में बैठोगे, आप अच्छा पोजीशन में रहोगे, इस्तेमाल करोगे अपने बॉडी को, क्योंकि आप बैलेंस जब तक नहीं मिलेगा, आपके पास रनिंग का हम ट्रेनिंग कराते हैं, जनरल एंड्योरेंस ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बहुत सारा आपको हम कराते हैं, उस सब का क्या फ़ायदा है जब आप बोट में उसका एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर पाओ, तो एक अच्छा बैलेंस होना जरूरी है। अच्छे बैलेंस के लिए बोट में कैसे बैठना है, किस किस तरह आपका बॉडी बॉडी
शुरू होना चाहिए वो जाने। तो अभी थ्योरी में आते हैं, देखो आप स्लाइड में, स्लाइड में ठीक है, स्लाइड में देखो, मैं थोड़ा सा मैं प्रिंट कर लेता हूँ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ओके स्लाइड में देखिए, पेलिंग सेटअप, पेलिंग सेटअप कैसे करते हैं, दिस इज वेरी बेसिक आप लोगों को बता रहे हैं कि जब आप खड़े होके पैदल पैदलिंग पैदल कितना आपको कितना लंबा होना चाहिए, जब देखेंगे तो पैदल जो है ठीक है, वो सब दिख रहा है, पैदल जो है देखो जमीन से लेके आपके माथे के बीच में जब हाइट होगा स्टैंडिंग पोजीशन में माथे के बीच में लिया जाता है नॉर्मली ठीक है। और ये जैसे जैसे एडजस्टेबल पैदल हम प्रीफर करते हैं, क्योंकि अभी आप शुरुआत में जब सीखते हैं जनरली तो आपका आपके लिए पैदल स्पेसिफिक बहुत अच्छा जाएगा, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा हमें पता नहीं रहता है। तो बेसिकली हम क्या है, आप जूनियर हो तो आपको खड़ा होके जब जमीन से लेके आपके माथे के बीच में आईब्रो से थोड़ा ऊपर माथे के बीच में ऐसे यहाँ लेगा तो बेहतर है, क्योंकि आपका हाइट भी इस समय बढ़ने का चांसेस रहता है, तो थोड़ा सा आप ऊपर ले ठीक है। तो आप जैसे जैसे आपके बीच तक आ जाएगा, और खिलाड़ी जो ऑलरेडी अच्छे हाइट में चले गए जूनियर से सीनियर आने वाला है वो लोग क्या करता है, जैसे आपके इवेंट आपको 3-4 साल आप ट्रेनिंग एज हो चुका है तो आपको पता रहता है कि मैं कौन सा इवेंट में मेरा बेहतर है, मैं 1000 में अच्छा है मेरा, 5000 में है, 500 में है या 200 में, जैसे आपके इवेंट के हिसाब से। जैसे 200 मीटर कम डिस्टेंस में आता है तो आप नीचे आप अपना नोज का यहाँ से आई से बीस के कोई कोई 1000 मीटर के लिए ऊपर तक लेता है, किसी का अपर बॉडी ज़्यादा लंबा रहता है ठीक है, नेलिंग डाउन में तो फिर हाइट ज़्यादा हो जाएगा है ना, तो उस हिसाब से आप ले सकते हो। सेकेंड पोजिशन देखिए, सेकेंड पोजिशन में है नीलिंग डाउन पोजिशन में, आपने नीपेट में नीलिंग डाउन पोजिशन में आ गया और हाइट जो है पूरा हाथ उठाया, पूरा हाथ उठा के रीच होता है वहाँ, अच्छा सा ग्रिप पकड़ लिया, पोजिशन में दिखा रहा है मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी जाऊँगा मैं ठीक है। तो वहाँ और स्टैंडिंग में क्या है, दूसरा दूसरा आपने स्टैंड किया, एल्बो बेंड कर लिया और सिर के पीछे रख लिया और एल्बो हाइट में ले लिया ठीक है। चेंज द स्लाइड, तो ये बेसिक आपका पोजिशन है, आप जैसे एडजस्टेबल पैदल रहेगा तो आपको उसका पता रहेगा। वन बाय वन टर्न करना पैदल सेटिंग अप, और पकड़ने का जो हिसाब है देखो कया का ऑलमोस्ट सेम है, 90 डिग्री रखता है और अंदर वाला हाथ जो पैदल ब्लेड के पास है वो 80 डिग्री तक आता है। तो एक्सटेंशन अप अब ए पोजिशन में आता है, ये डिग्री ए, जब आप एंट्री कैच पोजिशन में आते हैं तो उसका ए सेप परफेक्टली बन जाएगा ठीक है। ये दिस इज द बेसिक पोजिशन, स्ट्रोक तरफ बाहर की तरफ यहाँ जो पैदल आप ये पोजीशन में होल्ड करोगे और ब्लेड की तरफ जो साफ है वो उनके बीच में ज्यादा लंबाई छोड़ोगे, अगर लंबा पैदल पकड़ते हो तो क्या होता है आपका पैदल जो है बेंड होता है, पैदल जो है बेंड होता है, आपका जो साफ्ट है ब्लेड नहीं साफ जो है जो जिसका लकड़ी है ना वो अगर पावर डालोगे तो बेंड होता है, उससे आपका परफॉर्मेंस भी आपका एक्सेलरेट करने में आपका मदद भी मिलेगा। नेक्स्ट, दिस इज द बेसिक होल्डिंग पोजिशन। नेक्स्ट वो साहब स्लाइड बहुत है ना, टाइम लगेगा, स्टैंडिंग दिख रहा है, आप वन बाय वन उसको उसमें जाओ ना, स्लाइड पूरा स्लाइड वन बाय वन जाइए, पीछे हटके फिर आना पड़ रहा है आपको, वन बाय वन करोगे तो तुरंत चला जाएगा। ओके देन आप नीलिंग पोजिशन के बारे में बता रहे हैं, नीलिंग पोजिशन एंड बैलेंस किस तरह, वो साहब वो स्लाइड है ना, स्लाइड शो में चले जाइए, देन वन बाय वन क्लिक करेगा ना तो वो बेहतर हो जाएगा कि दिखाने में, फिर वापस जा रहा है स्क्रीन अप एंड डाउन, सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए नहीं हो रहा है, मैं इसलिए बैक जा रहा हूं। ओके 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 कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ ठीक है। तो नीलिंग डाउन पोजिशन कैसे रहेगा, जब आप बोध में कैसे नीलिंग नील करोगे ये बता रहे, बोध का जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बोध का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पैदलर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए एक जगह पे, मतलब आपका बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, आप खड़े रहते हो तो आप बैलेंस बनाने के लिए आपका आप दोनों पांव थोड़ा सा खोलते हो ठीक है, आप झुकते हो तो भी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप जैसे जैसे लीन होते हो तो आपका बॉडी जो है आप 90 डिग्री से लेके जब आप
नीचे आते हो 70 डिग्री 60 डिग्री, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता है, आपने देखा है, और आप ज्यादा झुकोगे तो आप जाता है, क्योंकि आपका ग्रेविटी मतलब आपका जो बैलेंस है वो आप संतुलित नहीं कर पाते हो, आप गिर जाते हो, है ना। अगर ठीक से खड़ा रहो आप दोनों पाँव अच्छा सा शोल्डर विड्थ में खोल के, तो आप बैलेंस बना पाते हो। उस तरह आपका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है खुद का, ठीक है। तो वो कहाँ बनाना चाहिए, आप कहाँ खड़ा होना चाहिए, आप खुद को कहाँ संतुलित करना है, ये होना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कैनो करेक्ट पोजिशन इज डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग द पॉइंट को। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आपके बोथ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उस तरह हर एक बॉडी का जो फिजिकल बॉडी है उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। आर्थ का जो आपका ग्रेविटी खींचने का जो शक्ति है, चुंबक का खींचने का जो हिंदी में ठीक से नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको बैलेंस करते हुए एक बना हुआ रहता है, उसको कैसे टोपल ना हो जाए, कया गया केनो है सीधा रहने के लिए एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाया हुआ है, उसके आकार पे आपको खड़ा होना है, ठीक है। तो इसमें दिखा हुआ है, देखो किस तरह आपका एंगल रहेगा, नी किस तरह बेंड रहेगा, शोल्डर दोनों बराबर रह रहा है, एंगल दिया हुआ है, देखो हाथ दोनों हाथ शोल्डर जो है एक वर्टिकल लाइन से खींचा हुआ है, तो वर्टिकल लाइन से दोनों शोल्डर एक बराबर है। नीलिंग पोजीशन में थोड़ा सा कया की तरह आपको झुका हुआ है, आपका सामने वाला पांव जो है ये 80 डिग्री तक आ रहा है। तो ये मूवमेंट हमेशा आप लास्ट टाइम हमने वीडियो में कवर किया था शायद, हाँ वीडियो में है, तो वो उसमें जब मूवमेंट होगा तो ये एंगल कैसे चेंज होगा वो आएगा। ये बेसिक स्टैंडिंग पोजिशन है, आप खड़े होके आप देख सकते हो मिरर में। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ बता दिया, यहाँ देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा आपको, नीचे एक बोध दिया हुआ है, तो बोध का जो एक सेंटर ऑफ लाइन है, देखिए एक पत्ता डाला हुआ है, वही लाइन है जो एक नी पे आपने ऊपर वाला पोस्टर पे जाइए, नी पे पीछे वाला फुटरेस और सामने जो एक पाँव का निशान है, ये तीनों एक लाइन के ऊपर है, एक लाइन है सीधा लाइन, देखिए सबसे ऊपर वाला लाइन ये है बोध का सेंटर ऑफ बोध का बाहर वाला लाइन। उसके बाद जो सेकंड वाला लंबा लाइन है बराबर दोध के साथ किया हुआ है, सेंटर लाइन ऑफ बोध करके लिखा हुआ है सामने, देखो ये सेंटर ऑफ लाइन। तो जब आप नीपेद डालोगे तो नीपेद का जो सेंटर है जहाँ आपका घुटना गिरेगा वो बोध का सेंटर ऑफ लाइन में डालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक काट लेता है, नीपेद को सीधा रखता है और नीपेद के अंदर जो नी का पोजिशन है वो हल्का सा तिरछा काटते हैं, या लेफ्ट वाला या राइट वाला पेडलर है उसके हिसाब से तीसरा काटते हैं, मगर आपका जो घुटने जहाँ गिरेगा वो सेंटर आपका बोध का सेंटर में आना चाहिए। उसमें क्या होगा, क्योंकि आपका नीलिंग डाउन पोजीशन में आपका जो बॉडी वेट है अपने जो नीलिंग पोजीशन के नीलिंग नी के ऊपर हमारा जो नीलिंग लेग के ऊपर हमारा बॉडी का वेट होता है, इसीलिए आपका नीलिंग जो नी है वो आपके नीपेट का जो नी का पोजिशन है वो आपका बोध के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सेंटर लाइन है उसके ऊपर आना है। देन आपका पाँव आगे वाला पाँव कहाँ रखना चाहिए, उस लाइन से हल्का सा 15 से 20 डिग्री हल्का सा हट के साइड में, अगर आप समझ लो ये लेफ्ट ये राइट हैंड पैडलर है तो इसने क्या है लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट लेग साइड जो लेफ्ट लेग है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 15 से 20 डिग्री हल्का सा हट के थोड़ा सा बेंड होके इससे आपको ग्रिप मिलेगा। अगर बेंड भी नहीं होता है, कोई कोई अच्छा खिलाड़ी जिसका आपका हिप का स्ट्रक्चर किसी का अलग होता है तो वो सीधा भी रख सकता है, आपको कंफर्टेबल है तो जो पाँव थोड़ा सा हल्का सा तिल करके रखा है वो ऑलमोस्ट सीधा भी रख सकते हैं, तिल करने से आपको अच्छा ग्रिप मिलेगा, ये है। और आप देखिए उसके बाद सीधा ऊपर वाला लाइन आइए, पीछे जो 8 डिग्री से 25 डिग्री लिखा हुआ है पीछे, जहाँ फुटरेस में आप पाँव रखोगे अपना सपोर्ट, फुटरेस फुट को सपोर्ट दोगे, वो भी देखो 8 से 15 डिग्री सेंटर ऑफ सेंटर लाइन जो बोध का जो सेंटर लाइन है उससे 8 डिग्री से 25 डिग्री तक रखा हुआ है। ये क्यों है 8 डिग्री से 25 डिग्री इतना वेरिएशन क्यों है, वो आपका पेडलर का जो लेग का स्ट्रक्चर है, आपका हिप का स्ट्रक्चर, आपका किसी कोई कोई नोक नीज होता है ना, दोनों घुटना मिला होता है, कोई हिप ओपन हिप होता है, जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आपका पाँव जो है आगे पीछे आजू बाजू में होगा, ठीक है, ये समझना जरूरी है। तो आप कोई जरूरी नहीं है कि आपके खिलाड़ी जो है
अच्छे खिलाड़ी में भी इस तरह ही बैठूंगा, जो आपको कंफर्टेबल महसूस होता है वैसे ही आपको बैठना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड को सर, ठीक है, यह हम ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, मूवमेंट्स एंड मसल एनालिसिस। आप कैनो में जब आप मूवमेंट करते हो तो कौन कौन सा मसल यूज करते हैं हम, हाँ, नीलिंग लेग का क्या असर रहेगा, सपोर्ट लेग जो है, सामने वाला लेग जो है उसका क्या मूवमेंट रहेगा, जब मूवमेंट रहता है कौन सा मसल यूज करेगा, जब पुलिंग एंड ड्रॉ आर्म, जो आप आगे सामने झुक के जब हाथ आगे बढ़ाते हो तो उस समय उसका एक्शन क्या रहेगा, उस समय क्या क्या मसल्स एक्टिवेट होगा, पुलिंग ड्रॉ में शोल्डर में उसका कहाँ कौन कौन सा मसल एक्टिवेट होगा या इस्तेमाल होगा, ये इस स्लाइड में बताया हुआ है। ठीक है, मैं अभी लगातार आपको ये साइंटिफिक भाषा है ये, ठीक है, आगे मूवमेंट से थोड़ा सा बताऊंगा कि कौन सा रहता है नीलिंग लेग, जब आप आगे झुकता है क्या कौन कौन सा वर्क करता है, वो खड़ा नहीं रहता है, वो झुकता है मूवमेंट, तो आपका कौन कौन सा मसल यूज होगा, ये स्लाइड देख के आप पढ़ के क्या कौन कौन सा मसल्स है, इसे कैसे एक्टिवेट होता है, तो हम अकॉर्डिंगली हम मसल्स ट्रेनिंग भी करते हैं उस मसल के लिए। तो जितना मसल इसमें लिखा हुआ है वो आपके पेडलिंग में इन्वॉल्व है आप चलाते समय, तो इस मसल्स को आपको ट्रेन करना है, जरूरी है। ठीक है, आगे अभी लाइन में आ गया एक्सरसाइज एंड मसल्स, जो अभी इस स्लाइड में जितने मसल्स लिखा हुआ है वो आप उसके अकॉर्डिंगली, ये देखो वो साहब ने जो स्लाइड बनाया है कौन कौन सा है, वन लेग नीलिंग, नी एक्सटेंशन, स्ट्रेच, ये लो आप सब करते हैं, तो ये एक्सरसाइज क्यों करते हैं आप लोग, अभी आपको समझ में आई, एक्सरसाइज इसीलिए करते हैं जो पिछले दो स्लाइड में आपको बताया हुआ है कि आप जब पेडलिंग करते हैं तो आगे झुकते हैं, पीछे आता है, हाथ से खींचते हैं, शोल्डर अप के लिए बोलता है, कोच लोग आपको सुधारता रहता है, उन सब मूवमेंट में ये जो एक्सरसाइजेस आपको दिखाया है इनका इस्तेमाल, इनके जरिए आपके मसल्स जो है जरूरत के मसल्स को स्ट्रेंथनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी लेवल इम्प्रूवमेंट करना, वो सब मिलता है। तो हर एक एक्सरसाइज जो आपको कराया जाता है, कोच लोग बताते हैं आपको या करने के लिए बोलते हैं, वो सब कुछ ना कुछ कारण है। देखो नीलिंग, नेक्स्ट स्लाइड को सब ये देख लेना, ये खाली एक एक पोजिशन है, आप लोगों को एक्सरसाइजेस में कराया हुआ है, जिम में भी आप कर सकते हैं ये सब। देखो हाई नहीं है, उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस बांध लिया, खाली आप नॉर्मली वॉकअप में करते ही हो, उसी को आपको स्ट्रेंथनिंग में करना है, तो थेरा बैंड बांध लिया, जिम में कर लिया, तो हिप एक्सटेंशन, हाफ ब्रीस आ गया ग्लूच के लिए, पहले पिछले जो है हिप एक्सटेंशन, हिप फ्लेक्सर के लिए, अभी देखो आ गया ग्लूच के लिए, या आपने जो हाफ ब्रीज बनाया उसमें ग्लूच, पीछे का जो ग्लूच बहुत इंपॉर्टेंट है, सब अवॉइड करते हैं, जो बम है जिस पे आप बैठते हो सबसे ज्यादा अवॉइड करता है, मगर ये बहुत बड़ा रोल करता है आपके मसल्स के लिए, ये कमजोर होगा तो आपका हैमस्ट्रिंग पकड़ लेगा, रनिंग करते समय आपको बैक पेन आएगा। ठीक है, उस तरह देखो, देन एक्सरसाइजेस, इस एक्सरसाइजेस से क्या मिलता है, देखो इस ग्लूच के लिए बताया हुआ है, आपका जो पीछे वाला हैमस्ट्रिंग्स है वो भी मसल्स पे स्ट्रॉन्ग होगा, उसके अलावा और भी मसल्स कोऑर्डिनेटेड है, जब कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज करते हो बैक स्ट्रेंथ होता है, शोल्डर सब इसका कोरिलेटेड है, खाली इसमें दिखाया गया है कि आपको कौन सा मसल ज्यादा, उसके लिए कौन सा ट्रेनिंग अच्छा है, मगर एक मसल के लिए ट्रेनिंग करोगे बाकी मसल्स भी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में असर पड़ता है। देखो स्टैंडिंग रो, स्क्वाट्स, हाफ स्क्वाट हो गए, चेंज को सब देख ले गए लोग बाद में। ओके, पुलअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग क्या है अपर बॉडी यूज करते हैं, तो यहाँ जो अलग 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 मसल्स दिखाए गए हैं, देखो ब्रासिलियस, पाइसेबासी, पोस्टीरियर डेल्टॉइड, साधारण भाषा में बोलूंगा आपका जो बाजू का मसल है सामने वाला, पीछे वाला जो ट्राइसेप है, डेल्टॉइड आपका शोल्डर मसल है, शोल्डर में भी अंदर वाला बाहर वाला पीछे वाला रहता है, शोल्डर जो डेल है आपका वो, देन शोल्डर बोल के खाली वो नहीं, वही नहीं, आपका ट्रापेजियस रहता है, आपका आपका लेटरल मसल रहता है, वो सब सिनप में बाइसेप से लेके सब कुछ आप इन्वॉल्व हो जाता है मैक्सिमम, इसलिए सिनप हमारा मेन एक्सरसाइजेस है। ठीक है, या पुलिंग डाउन हो गए तो ये सब मसल एक्टिवेट होता है, ज्यादा से ज्यादा आपको इसके ऊपर ट्रेन करना है एक्सरसाइज मसल। और फिर देखो रेजिस्टेंस, आपको ये जो है सिटिंग रो में क्या क्या आपको मिल रहा है, जब पुलिंग सामने भर्ती के लिए आप पुल कर लिया, अभी होराइजेंटली आप जब पुल करोगे तो क्या कौन कौन सा मसल्स आपको असर पड़ेगा, जो बायोमैकेनिक्स है
वो एक ही एंगल पे ही नहीं है, अगर पुलिंग कर रहे हैं तो हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं, आप उस पार्टिकुलर मसल को स्ट्रोंग बना रहे हो, मगर उस स्ट्रोंग मसल को आपको एक एंगल में इस्तेमाल करना है ना, एक एंगल में, कौन सा हम कौन से एंगल में, बोथ में, नीलिंग डाउन पोजिशन, और जब और आप कैच के लिए जाते हो तो आपका बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है और आपका उसका एंगल ऑफ एक्टिवेशन चेंज हो जाता है। तो अगर ताकत है आपके मसल में, अगर आप एंगल उस एंगल पे आपने ट्रेन नहीं किया, उस जो आपने मसल को स्ट्रोंग बनाया उस मसल को एक पार्टिकुलर एंगल जो हमारे स्पेसिफिक बोलता है, जब आपने पेडलिंग में जो इस्तेमाल करता है उस एंगल पे उस तरीके से आपने उसको ट्रेन नहीं किया तो आप उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएगा। तो इसीलिए देखो सिंगल आर्म रो वगैरह दिया हुआ है जो ऑलमोस्ट हम कैनो कयाक में जो पुलिंग है उसके हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए दूसरा एक बेंस पुल, ये सबसे फेमस है हमारा कयाक कैनो में, बाकी स्पोर्ट्स में रोइंग में भी है। और ये जो इससे क्या होगा आपका लेटरल मसल ट्रापीजियस मसल मैक्सिमम आ जाता है और उसके एंगल भी ऑलमोस्ट हम जो कैनो कयाक करते हैं उसके एंगल पे आ जाता है, इसलिए इसमें। और ये आइसोलेट भी करता है, जब आप लेते हैं तो बाकी मसल्स को रिलैक्स करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको ये ट्रैपीज़ियस और लेटरल मसल के ऊपर इसका असर पड़ता है एब्सोल्युटली। बाकी कोऑर्डिनेशन फोरआर्म वगैरह ट्राइसेप बाइसेप्स वगैरह सब इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका साइड में पुशअप, पुशअप में देखो वाइड रेंज पुशअप आपको दिया हुआ है, उससे आपका पेक्टोरिस मेजर आपका ट्राइसेप वगैरह सब असर पड़ता है। चेंज करते रहो को सब बोलता रहूँगा, टाइम ज्यादा नहीं है ना, बाद में किसी दिन और कर लेंगे। ट्राइसेप वगैरह कर लिया, देन आप जिम में जाते हो, जिम में जाओगे तो इसमें दिखा देखा हुआ है, देखो आप बेंच प्रेस में बताया हुआ है, बेंच में अच्छा सा इलुस्ट्रेशन में आप नीचे जाओगे, आप बेंच प्रेस जब करते हो कौन कौन सा मसल असर पड़ रहा है, बाइसेप ट्राइसेप्स आपके सेस मसल्स एंथेरे डेल्टोज भी असर हो रहा है। तो बेंच प्रेस सेम आप जिम में जाने की जरूरत नहीं है, आप जूनियर सब जूनियर से जूनियर में आया है तो मैक्सिमम आप पुशअप के ऊपर ध्यान दें। पुशअप में बहुत सारे वेराइटी है, आपको 20-25 वेराइटी एक सेशन में भी बता भी दिया था, अवेलेबल भी है। आप जैसे बेसिक पुशअप किया सही ढंग से, उसके बाद अलग 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 एंगल में चेंज करके करोगे तो भी ये यहाँ जो दिखाया हुआ मसल्स है, मसल्स का जो पार्ट है वो सब आप असर दिला सकते हो। देन क्लोज ग्रिप पुशअप आ गया, उसके बाद आप लेटरल पीछे वाला रो कर दिया पीछे, उससे क्या होगा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, आप जो एब्डोमिनल लेटरल ऑब्लिक्स वगैरह जो है कोऑर्डिनेशन, हर एक मसल को आइसोलेट करके ट्रेनिंग करना है, देन मसल सब मिला के कोऑर्डिनेशन जरूरी है, ठीक है। थैंक यू कोसा, ऑलमोस्ट कवर्ड, आप रेडी हो जाइए नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक मैं बोलता हूँ खिलाड़ी रेडी हो जाइए, कोसाब अभी आपको ट्रेनिंग कराने वाला है। तो हर सेशन आज ही नहीं आज के बाद भी आप कंडीशनिंग करो या कुछ करो तो आप यही सोचना है। मैं पिछले जो ट्रेनिंग सेशन है क्लासेस है उसमें भी हमने आपको बताए थे कि आपको हर बार कुछ भी करोगे कैनो कयाक के बारे में, कैनो टेक्निक के ऊपर लेके आना है। आप रनिंग भी कर रहे हो तो वो किस लिए कर रहे हो, कैनो कयाक के लिए, आप बोटिंग चला बोट तो आप लेके आना है रेस में, मुझे आप उस भी मार रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसके लिए आपको बोध में स्पीड लाना है, मसल में स्ट्रॉन्ग लाना है। तो क्या है यू साइकोलॉजिकली आप उसको कॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे, आप सोच सोच के आप बार बार बोलोगे तो आप नहीं सोचोगे तो भी वो आपके पीछे वाला मेमोरी में चला जाता है जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस, ठीक है। जो कॉन्शियसली आप सोच के करते हो बार बार करते हो तो नेचुरली आप सोचो ना सोचो वो आपका आदत बन जाता है। तो इसलिए हमेशा ये सोचना है, आप रनिंग भी करो या आप टेक्निक वर्क कर रहे हैं या आप अभी हमारे हम बोध में नहीं जा रहे हैं और आपको हम जिम में करा रहे हैं या बैठ के करा रहे हैं तो ये सब आपको कहाँ फायदा मिलेगा आपको बोध के लिए। तो हमेशा आपको ये सोचना है कि हमें जो कर रहा हूँ अगर आपको आपके लिए ये होना चाहिए, मैंने आपको मेथडों के लिए बारे में बताया था, आप सांस भी लेते हो तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, यस मैं जो सांस ले रहा हूँ एज ए खिलाड़ी मुझे एक स्पोर्ट्समैन की तरह हमारा जो जरूरी है 3-5 लीटर एज ए स्पोर्ट्समैन, ठीक है, वाटर जे कैनो कयाक में उसके लिए सांस ले रहा हूँ, खा भी रहा हूँ तो क्यों खा रहा हूँ, अच्छा खाओगे आप ये सोचोगे, सोओगे तो भी ढंग से सोओगे क्योंकि मैं स्पोर्ट्स के लिए एवरीथिंग कोऑर्डिनेशन अपने अंदर अपने बॉडी के अंदर अपने बॉडी और बोध के साथ सब जगह कोऑर्डिनेशन 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 हमेशा सोचो, ज्यादा से ज्यादा बोध के बारे में सोचो, ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस के बारे में सोचो, आपका जो आपका लक्ष्य है जल्दी से जल्दी मिलेगा। वसाब आप रेडी होगा तो बता दीजिएगा। ओके सर आई एम रेडी सर। ओके प्लीज क्लियर उनको सर।
ओके सर, तो गुड मॉर्निंग एथलीट्स एंड डियर कोचेस, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर एंड ऑल एक्सपर्ट पैनल. तो आज हमारा जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, जो आज हमने कैनोइंग के ऊपर कवर किया है, लास्ट सेशन हमारा क्या के ऊपर था, कैनोइंग वी होप के जितने भी कैनोइंग एथलीट्स हैं उनको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिला होगा सिटिंग पोजीशन के बारे में और बेसिक्स जो कैनो में क्या क्या नोटिस रखना है. तो आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा स्पेसिफिक एंड्योरेंस, तो इसमें 10 मिनट का दो हम पैच करेंगे, जैसे हम बोर्ड में करते हैं लॉन्ग पैडलिंग करते हैं. मेट्रोनोम के साथ मैं आपको बीट दूंगा और बिफोर दैट हम जनरल और स्पेसिफिक वार्म अप अटेनमेंट के लिए उसके बाद में 60 बीट पर मिनट जो है मेट्रोनोम में सेट करूंगा और जो कैनो के प्लेयर हैं वो 30 की स्ट्रोक रेट में चलेंगे. 30 की स्ट्रोक रेट में चलेंगे इन द सेंस कहने का कि एक बीट एंट्री पे और एक बीट एक्सिट पे, दो बीट एक स्ट्रोक दो बीट में कवर करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं आपको कि मैंने मेट्रोनोम सेट कर दिया है तो इसकी दो बीट लगेंगी टक टक, ऐसे तो कैनो का एक स्ट्रोक आएगा और क्या का दोनों साइड में एक स्ट्रोक आएगा. एक बीट पे क्या एक स्ट्रोक, दो बीट पे कैनो एक स्ट्रोक, ऑटोमेटिकली आपका जो 30 कैनो का 30 स्ट्रोक रेट आ जाएगा और क्या का 60 आ जाएगा पर मिनट. तो एक टोटल 10 मिनट का पैच है और टू सेट्स हैं और दो मिनट का रेस्ट है आपका बिटवीन सेट और टोटल 22 मिनट वर्कआउट है हमारा. तो सभी एथलीट्स जो है रेडी हो जाइए वार्मिंग अप के लिए, आ जाइए कैमरा के सामने. ओके मेगा एंड पार्वती, आज दो एथलीट्स हैं हमारे साथ जो लीड करेंगे वार्मिंग अप में. तो रेडी मेगा, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम सूर्य नमस्कार, बेसिकली फुल बॉडी का स्ट्रेच है 12 स्टेप्स में. तो 12 स्टेप करेंगे, 6 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे. रेडी ऑल एथलीट्स, रेडी ओके. Change on my whistle. Stretch more, guys. Right leg forward, look straight. Back leg straight. Breathe normal. Both legs back. Full position, look straight, breathe normal. Five touch, with land, chin, chest, and knee and toe. Okay, look up maximum. Push your body back with your hands, touch your heel with ground. Alternate leg forward, look straight, change, change, little open your leg, stretch back, okay, step again. Okay. So now rotation exercise from neck to toe. Ready? Vega. First half, front half. Rotate your front neck half. Change exercise.
6 to 8 repetition each exercise, back rotation, back half, neck. Chain up and down, neck up and down. Change exercise, wrist rotation. Change reverse. Change exercise. Open your hands and close your hands. Okay, change shoulder rotation, backward first. Spread your arms and rotate your shoulders. Change reverse, forward. Change backward rotation. Close your arms. Change reverse. Okay, change hip circle, hip rotation, back half first. Change front half rotation. Change ankle rotation, outward first, right foot. Change, reverse, outside, inside. Change up and down. Change side, other foot. Change reverse. Change up and down. Change. Okay. So now dynamic exercise. Specific movement. Pura. Ready? Start. Look straight. 8 to 10 repetitions each exercise. Change exercise. Change. Change exercise, single arm rotation, backward first. Change reverse, forward. Same arm. Change, switch your arm. Change reverse. Change both arms backwards. Change both arms forwards.
Change side to side, both arms. Change upside, up and down, back side, front side. Change, alternate. Change side, reverse. Change exercise, bend down, up and twist your body side by side. Change exercise, side bend. ये पूरा जितना भी bending, twisting, जो भी exercise है और shoulder के rounds जितना भी हम rotation कर रहे हैं बहुत important है अपना game में. Totally shoulders, muscles जो आपको अभी दिखाया था स्लाइड में इन्वॉल्व हैं और उनको एक्टिवेट करना ड्यूरिंग द वार्म अप इज द मेन थिंग, बहुत इम्पोर्टेंट है. अच्छा जितना अच्छा वार्म अप करेंगे आपका उतना अच्छा बॉडी का रिस्पॉन्स आएगा ट्रेनिंग में, और आपको अच्छा वार्म अप करके जाते हो तो इंजरी का चांस कम हो जाता है, रिड्यूस द इंजरी चांसेस. Okay, very good. Alternate toe touch. Lock your neck. Neck also move with your arms. Your upper hand. Okay, three touch. And touch back. Okay, change exercise. One. Two, three, change side, dynamic rhythm ke saath. Two, three, change side. One, two, three, change side. One, two, three. Okay, change exercise, side to side bend. One, two, three. Four, change side. One, two, three, four, change side. One, two, three, four, change side. Good. One, two, three, four. Okay, change exercise. Okay, now. थोड़ा जंपिंग एक्सरसाइज करेंगे 2 मिनट के लिए, जस्ट लाइट जंपिंग, जंपिंग नॉर्मल जंपिंग स्टार्ट. जंपिंग जंपिंग जंपिंग, गुड, वेरी गुड, नॉर्मल जंपिंग, कंटिन्यू कंटिन्यू, स्किपिंग एक्शन, वेरी गुड, स्किपिंग एक्शन विद हैंड, जंप ऑन योर फीट. Change exercise, jumping jacks. Change exercise. Change one leg, high knee, single leg, high knee, very good. Just 2 minutes ke liye jump. Good, very good, very good. Change side. Change alternate. Very good. Feels very good. Okay, front kick. Change side kick. Back kick.
Change bracket. Okay, change last 5-star jump. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So now our warm up complete hua. Walk out. Thoda walk kijiye. Shake your legs and arms. Breathe normal कीजिए, पानी पी सकते हैं, 10 मिनट का पैच है हमारा कंटिन्यूसली, तो आप पानी पी सकते हैं, पहले एक सिप पानी और वाटर बॉटल पास में रखो। कैनो वाला जो है, अगर शूज है किसी के पास तो शूज अपना बेंट करके रख सकते हो, नीचे शूज निकल के रख सकते हो, नहीं तो अपना जो स्ट्रेचिंग मैट है उसको बेंट करके रख सकते हो नीचे। कैक वाला जो भी है वो भी अपना जो स्ट्रेचिंग मैट है उसको बेंट करके रख लो, जहाँ कोई फॉर्म है आपके पास तो मेगा आ जाओ। लास्ट हमने सेम स्पेसिफिक एक्सरसाइज किया था, इंटरवल ट्रेनिंग जो किया था लास्ट 5-5 मिनट का, हमने 3 सेट किया था, तो आज हमारा 10 मिनट का है, हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया है, एंड्योरेंस में जाएंगे। ओके सो एथलीट्स सेटअप कर लो अपना, मैं साउंड दूंगा मेट्रोनोम का, 60 बीट पर मिनट में सेट करने जा रहा हूं। जो कैनो वाला है वो 2 बीट पे 1 स्ट्रोक करेगा, और जो वाला है 1 बीट पे 1 स्ट्रोक करेगा। वेट वेट वेट, मैं स्टार्ट करूंगा, विसल से स्टार्ट करना है, विसल से फिनिश करना है, 10 मिनट। साउंड सुनाई दे रहा है? ओके सो रेडी ऑल एथलीट्स, रेडी रेडी लॉन्ग में चलते रहना है रिदम के साथ, रिदम के साथ 10 मिनट्स हैं टोटल हमारा वर्कआउट, लॉन्ग और रिदम, रिदम के साथ चलना है, बीट को फील करो, बीट के साथ चलना है। वेरी गुड, डोंट होल्ड योर ब्रीथ। अभी एथलीट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, थैंक यू संजीव सर।
Good, very good. Don't hold your breath. Breathe, continue. Very good. Good, Salaam Arshi Devi. Very good. Very good. Yes, Swiss ball pe bacha kar raha hai. Ashmita Kunjur from NCI Jagdpur. Very good. Rhythm ke saath, fast nahi jana hai, rhythm ke saath jana hai, beat ko feel karo, beat ke saath se stroke. Rhythm, rhythm, at least rhythm, very good. Very good, Vilas from Nagpur University. Very good, excellent. Maintain, maintain guys, maintain yourself, very good, maintain yourself with rhythm. Rhythm bhoolna nahi hai, rhythm ke saath chalna hai, long chalna hai humko. Very good, Jasprit Singh. Akshay, very good. Akshay Sneel, rhythm ke saath. Jinsi George, very good. Okay, 5 minutes over, half time over. Guys, very good, maintain yourself. 5 minutes more. Rhythm, rhythm, rhythm ke saath, rhythm ke saath. Udalina Biju. Rhythm, rhythm, guys, rhythm.
गुड गुड अलीना बिजू रिदम रिदम के साथ रिदम ब्रीथिंग गुड सोनिया देवी वेरी गुड 8 minutes over 2 minutes to left 2 minutes to rest 8 minutes over good athletes very good maintain yourself with rhythm follow up the beat very good set your rhythm with your beat very good maintain your breath also Very good. Maintain, maintain. Very good. 9 minutes over. Last 1 minute. ओके गुड वेरी गुड बहुत अच्छा किया सभी एथलीट्स ने रिलैक्स एंड अप एंड वॉक अराउंड शेक योर लेग्स एंड आर्म्स ब्रीथ नॉर्मल टेक डीप ब्रीथ लंबा गहरा सांस लीजिए सांस अंदर लीजिए बाहर निकालिए लंबा गहरा सांस रिलैक्स करो अपने आप को वॉक करो आसपास में थोड़ा वॉक करो पानी पी सकते हो वन सिप जस्ट ज्यादा नहीं एक दो सिप पानी पी सकते हो अपना ओके रिलैक्स शेक योर लेग्स एंड शेक योर आर्म्स स्ट्रेच अप शोल्डर को स्ट्रेच करो लोअर बैक को स्ट्रेच करो शेक योर आर्म्स आर्म्स को शेक करो शोल्डर को रोटेट करो फॉरवर्ड बी रिलैक्स थोड़ा एक्टिव रेस्ट में रहना है बैठना नहीं है नहीं रहना है खड़े हो जाओ थोड़ा इधर उधर वॉक करो अपना लेग्स को शेक करो आर्म्स को शेक करो बी फ्री कंफर्टेबल फील करना है एक जगह पे खड़े नहीं रहना है ओके 30 सेकेंड्स टू गो ड्रिंक वन सिप वाटर एंड सिट डाउन अगेन योर एट पोजिशन आ जाइए बैक अपनी पोजिशन में आ जाइए हाय ऑल द पेडलर्स आई जस्ट लाइक टू ब्रिंग इन योर अटेंशन
In between us, here is Heros Pereira from Brazil, 4-time Olympians and a sports scientist from Brazil. He's observing. He's, hi, my friend. You're welcome to our session. And this is just for you. May please observe the session, and later on you can contribute if there is a possibility in future. You're welcome, sir. Okay, please, please come back in your position. Okay, ready, guys? Rhythm, rhythm, maintain rhythm and breathe. Control your breathing. अपने सांस को continue रखना है, सांस रोक के नहीं रखना है और rhythm के साथ करना है. Good, Sonia Devi, very good. Maintain rhythm. Dynamic stroke. Dham. 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 Dynamic stroke. Rhythm ke saath, beat ke saath chalna hai. बीच में पॉज करो करेक्ट टेक्निक, हर एक स्ट्रोक परफेक्ट जाना चाहिए. मैक्सिमम खिलाड़ी पैदल ठीक से ग्रिप सीख नहीं है, आर्म का जो वाइड है करेक्ट नहीं है, करेक्ट करो. ये रिकॉर्डेड है, आपका अपना अपना जो बॉडी मूवमेंट है वो यूट्यूब में जाके दोबारा देख के करेक्शन कीजिए. आप लोग कोचेस को भी बताइए अपने कि किस तरह, तो थोड़ा करेक्शन कीजिए मुझे. कंटिन्यू, दिस इज वेरी स्लो. केनो पार्टी ओनली 30 स्ट्रोक पर मिनट पे जा रहा है. अगर 10 मिनट आप रिदम कर पाए तो नहीं. प्रिया रिदम के साथ मेंटेन करो. हाथ का पोजीशन, आई लेवल, आई के आईब्रो के लेवल पे जाना चाहिए. क्रॉसिंग, व्हेन क्रॉसिंग कायाक पार्टी, दोनों हाथ क्रॉस करना चाहिए आई के बीच में. एंट्री से पहले हाथ पूरा सीधा करो. वेरी गुड दर्श बिजू रिदम के साथ. गुड अक्षा, जसप्रीत हाथ उठाओ, नीचे जा रहे जसप्रीत हाथ उठाओ. एंट्री से पहले हाथ पूरा सीधा शोल्डर लेवल पे सामने फॉरवर्ड करो. आपको पता है रिदम रिदम के साथ साथ अपना बॉडी पोस्चर भी मेंटेन करना है. इरोम बोरिस, स्विंग योर बॉडी, एल्बो स्ट्रेट करो डालने से पहले. मीना, थोड़ा छोटा पैदल लेना था, शॉर्ट पैदल तो क्लोज कर पाएगा, लंबा पैदल ले लिया. स्टिक जो है बिरंजन, अपर हैंड सीधा करो. अपर हैंड ऊपर जब जाता है, अपर हैंड सपोर्टिंग हैंड जो है, हाँ
अलीना एंट्री के टाइम पैदल 90 डिग्री रखने की कोशिश करो, क्लोज टू द बोट, बॉडी को थोड़ा सा स्विंग करो, हाँ स्विंग करो, टर्न करो बॉडी को, हाँ गुड, गुलाब फंसों, गुलाब फंसों, पैदल नेक्स्ट टाइम पैदल थोड़ा लंबा पैदल लेना, ट्विस्ट करो बॉडी जब सामने जाता है ट्विस्ट करो, आप झुक रहे हो, गुलाब फंसों फ्रॉम आसाम, ट्विस्ट करो बॉडी को, ट्विस्ट करो, जिंसी जोर्स, आप पैदल थोड़ा क्लोज पकड़ो, ज्यादा वाइड हो गया, जिंसी जिंसी जोर्स, कयाक हैंड ग्रिप क्लोज पकड़ो, राजेश स्ट्रोक पूरा मारो, पूरा पूरा पुल करो, एल्बो बेन तक, थाई तक लेके आओ, थाई के बीच तक लेके आओ, लोअर लोअर हैंड, हाँ मक्खा थंग बखुद तो थाई के बीच तक, थाई की मैं बॉक्सिंग, चलो खड़ग सिंह, हाँ बस अप करो उधर से, हाँ अप, टोनी डिबिसिया स्लो स्लो, टोनी टोनी स्लो डाउन रिदम से, हाँ स्विंग योर बॉडी लेग अप एंड डाउन, दोनों हाथ सेम क्रॉस करो, सिंक्रोनाइज करो, भूषण बोरकर झुको, स्विंग योर बॉडी एंड रिच डाउन, हाँ नीचे तक नीचे तक, 5 minutes over, 5 minutes more, very good, maintain yourself. अनुश्री अनुश्री आरनाथ, हाँ डायनामिक बहुत धीरे धीरे चल रहा है, डायनामिक धम, पावर स्ट्रोक पावर स्ट्रोक पावर स्ट्रोक, पावर पावर पावर, फास्ट नहीं फास्ट नहीं फास्ट नहीं, बीच में जब एयर हुआ के उसमें स्लो करना, जब स्ट्रोक जब पुल करते हो तो पावरफुल डायनामिक धम अप, आरती यादव थोड़ा सा स्लो करो, दोनों पार्टी दोनों पैदल स्लो करो, एयर में स्लो करो, नीचे फास्ट, ब्लैक शर्ट में जो गर्ल है वो ज्यादा पैदल थोड़ा बड़ा पकड़ो, स्टिक जो है थोड़ा बड़ा पकड़ो, क्लोज है बहुत, रोशनी देवी एनसीओई जगतपुर डूइंग वेल, पॉज करो बीच में, पॉज करके डालो, पॉज करके आपको 30 स्ट्रोक ही मारना है, ओनली 30 स्ट्रोक, कैच पुल, आप जब बोट में चलाते हो तो इससे ज्यादा डबल फास्ट चलाते हो, अभी स्लो चला रहा है तो अपने बॉडी मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखो सभी, हाथ ज्यादा उठा रहा है ब्लैक शर्ट गर्ल, रोशनी देवी एनसीओई जगतपुर कैमरा में जो है ब्लैक शर्ट, अपर हैंड के साथ साथ उठाओ दोनों, हाँ अपर हैंड नीचे रह गया, नीचे वाला हाथ उठा रहा है एल्बो, दोनों हाथ एक साथ ऊपर लिफ्ट करो, कुलदीप कुलदीप वांजरी, कुलदीप वांजरी उसमें जो हाँ हाँ पिंक पिंक शर्ट गर्ल, आपका अपर हैंड ऊपर जा रहा है, सिर के ऊपर से जा रहे हैं, हाँ आइस के सामने क्रॉस करो, आइस के सामने, हाँ कमॉन कमॉन विद्या कंटिन्यू, गुड अतुल आगे रिच करो, रिच एंड टर्न बैक, ट्विस्ट करो बॉडी को अतुल, हाँ गुड, बेहतर भूषण बोरकर बेहतर, कंटिन्यू कंटिन्यू रुकना नहीं है, 10 मिनट ही चला रहा है आराम से, ओनली 30 स्ट्रोक, इसमें आप लोग सब हवा निकल गया सबका, पेडलिंग करके बहुत दिन हो गया, ये करना है आप लोग डेली इवनिंग इवनिंग को करना है, ये तो ओनली सर डेमो सेशन है आपके लिए, सिखाया जा रहा है आप लोगों को, कंटिन्यू करना है इवनिंग इवनिंग को, बीट लगा के डेली पेडलिंग करना है 30-30 मिनट 40-40 मिनट का,
जो खिलाड़ी वीडियो में नहीं है, जो जिसने वीडियो ऑफ कर रखा है, आप भी जब सामने जब आएंगे इवनिंग को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूरी नहीं कि आप बोर्ड में ही जाए। लास्ट 30 सेकेंड्स एथलीट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कंटिन्यू। इनाउचा ट्विस्ट करो, बॉडी को ट्विस्ट करो। वेरी गुड। Very good. All athletes doing very good. Excellent, guys. Very good. Okay. Shake your hands. Shake your legs and hands. Walk around. Take deep breath. Inhale, exhale. Recover yourself. Swing your body with your arms. Shake your arms. Rotate your shoulders. Relax. Drink water. तो आज आपने फील किया होगा कि अगर 10 मिनट के लिए हर्डलिंग कर रहे हैं तो आपका हालत आपको पता चल गया होगा, और फुल टी शर्ट जो है स्वेटिंग हो गया है पूरा टी शर्ट में। मेगा इसका देख सकते हो इसका इफेक्ट क्या है, आप बैठे हो एंड्योरेंस में जा रहे हैं, आप स्पेसिफिक मूवमेंट कर रहे थे, डे बाय डे हमारा इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। पहले हमने बेसिक बिगिनिंग आपको सिखाया, अभी 5 मिनट में 10 में लेके गए, ऐसे करके करके बढ़ाएंगे तो आराम से हम बढ़ सकते हैं। जो लाइट लेवल के एथलीट हैं वो ज्यादा टाइम पे भी कर सकते हैं, 20 मिनट पे जा सकते हैं, 15 मिनट पे, 30 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग एंड्योरेंस के लिए। तो नाउ कूलिंग डाउन पार्ट के लिए जाएंगे। ओके, कम बैक। स्ट्रेचिंग के लिए मेगा लीड करेगा, पूरा अच्छे से फुल बॉडी का स्ट्रेचिंग करना है। हमने एंड्योरेंस वर्क किया है तो फुल बॉडी में फटीग आएगा करके अच्छा स्ट्रेच करना है, नेक टू टो। ओके, स्ट्रेच एंड होल्ड। रेडी, स्क्वाट। फॉलो कीजिए स्क्रीन में मेगा को। 8 to 10 सेकेंड होल्ड ईच एक्सरसाइज। Change side, stretch and hold. Don't hold your breath. सांस को रोक के नहीं रखना है, सांस continuously लेना है, stretch कर hold करना है, जहां पे थोड़ा pain feel होता है वहां पे stretch करके रखना है। Stretch down neck. Stretch back. Up. Okay, stretch your arm, hold from your elbow joint and stretch, stretch and hold, 8 to 10 seconds, very good, other side, jump, side bend, other arm, change exercise, stretch, change exercise, change other side,
चेंज एक्सरसाइज ओके स्ट्रेच अप मोर अप एंड स्ट्रेच डाउन मोर डाउन जितना नीचे झुक सकते हो झुको ग्राउंड में हाथ टच करो वेरी गुड टच बैक Okay, without support, change exercise. Cool. Inside, other side, good, very good. Stretch and hold, guys. Or breathe normal. Enjoy karna hai stretching ko. Here, legs and arms, hold your toe. More stretch down. Sit down, sit down on your both feet. Player, sabit lead. Music ko feel karo, enjoy karo your session part. Yeah.
Okay. ओके, सो नाउ हमारा स्ट्रेचिंग पार्ट कंप्लीट हुआ. सो नेक्स्ट आई हैंड ओवर माइक टू मिस्टर जयंता कुमार. हाँ, ये को सब ये सेटिंग कर लेना, भूलना नहीं. ओके सर, श्योर श्योर सर. म्यूट हो जाता है इस बार, है ना, शुरू से. हेलो, हो गया सर, सेटिंग हो गया, आप कर सकते हैं अपने को म्यूट करना. हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच अंगेश कोसाफ एंड ऑल द एथलेट्स. यू हैव एंजॉयड डूइंग दिस, आई होप सो. And thank you very much, Heroes Ferreira from Heroes for Science, Brazil. Thank you, my friend. And can you please show us the, so it will be motivation for all. Angresa, please highlight. Sure, sir, sure. Highlight him. Hello. Yeah. Thank you, my friend. So this is the medal we should look forward. Sabhi khiladi dekho ye medal jo hai. So people continue training karega to hum ye achieve kar sakte. Heroes Ferreira sir is with us. I'm muted, sir. So yeah, if you want to speak some word for us. So later on training part you can do, but it's a few lines for us. Hi, good night for me. Good morning for you. Yeah. For me, it's very interesting. Show your training now. I think so. It's very, very important to build the app to improve your athletes.
I think is very, very important. Daytime Olympic training at the moment of the pandemic about the COVID-19. Before, for me, it's very, very important to start here with the us to build up the promotion of the talents. And I see every you in the training, it is training. Maybe need more contact to every day. But it's very interesting. Your applied training every day, it is improved your technique. I see every day my medal. It's not easy, but it is possible. I would like to go start the program with the hours, go to the take for us one day. Thank you very much to this moment with us. For me, much, my friend. Yeah, thank you, my friend. And for your information, here we have around 100 athletes who are in the intermediate junior level. And most of our elite athletes are not online. Oh, yeah. If you are coming to the program, then absolutely all the crowds will come up, absolutely. And I'm sure I'm giving my words. We have good athletes who are capable of winning medal in international podium. So working with you, that dream will come soon to be realized. Okay, it will be soon realized. Thank you very much for attending, my friend. Thank you very much for your time. So I will hand over the session to Kiran ma'am and Sri Venkateswara Reddy, Director NCV LAP, if you want to speak something about the course. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Now I hand over my mic to our Director, sir, for the vote of thanks, Mr. M. Venkateswara Reddy, Director, SAI NCV LAP. I request you, sir, for the deliverance of vote of thanks. Good morning, everybody. And this is a very special occasion that we are having an Olympian on our online program. I thank Mr. Hiro Ferreira, Olympian, four times Olympian, and thank you for being with us and motivating us. And this is a good opportunity that we have seen you to be here with us. So this is a very good and a special day for us. And today the session was very good and specific endurance and sports systematic development and canoe sprint. And good morning, everybody, and distinguished special guests of the day from IKCA, and the panel of experts, Kelo India E Patashala, athlete coaching and education program is jointly organized by Sports Authority of India and Indian Kayaking and Canoeing Association, hosted by National Center of Excellency, ALAPI. This is the initiative by our DG Sai, Mr. Sandeep Pradhanji, the online ACEP created to train the athletes uniformly all over India with the best practices and the latest techniques in the sports. The program is aimed at the intermediate level athletes who are going to be the future of our country. And this has been supervised by our panel of experts from IKCA and Sports Authority of India. And this online program is available in our Kelo India E-Pathshala YouTube and Facebook. And this program can be attended by any of the clubs, academies, state level associations, district association athletes. It is free for all to give the advanced skills at intermediate level. And today's guest, Mrs.
Bina Ragi, Secretary, Kerala Running Kayaking Association, International Kayak Paddler, and G.V. Raja Awardee. And proud to say that she is the athlete for NCOE Center, SAG. Earlier it was called SAG Alapi. And thank you, madam, for spending your valuable time with us and your motivational words to train the athletes in this COVID period is also very important for us and for our athletes to be motivated in training to win the medals at All India level and at the international arena. I also thank today's expert coach, Mr. Jain Kumar Singh, ICF ITO, level 3 expert coach, ex-chief petty officer of Indian Navy, for giving very good explanation on right planning and the procedure of thank you, sir. In Kanoi, and he also given good guidance on observation, online observation of athletes and guiding online throughout the program. Thank you for being with us, Mr. Jain Singh. And I also thank Mr. Angrej Singh, Kanoi Kayaking coach for NCOE LAP, who has made a very good slides and given a good demo. And he also was observing online and guiding the athletes to train properly. And it's a very good and professional way of handling today. I have seen that this is the best way we can go ahead. And it is the first time that we have done very good. And today was a very good occasion that we had an Olympian with us, Mr. Hiro Ferrara, showing the Olympic medal. It's a great motivational touch that we have given to the athletes. So all will be very much happy to see that they can also achieve that sort of medals if they can put more efforts. I also thank our athletes who have given a good demo, Megha Pradeep and Akshay Sunil. And I also thank our regional director, LNCP Trivandrum, Dr. Kishorji, for guiding us in this program. I also thank our program head, Mr. Sajid Tamad, our Arjuna Wadi, and coach of our NCOE LAP. I also thank our program director, Mr. Siji Kumar, Asian Middle East, NCOE LAP. I also thank ICCA officials and panel of experts, and SPD and PMs. And I also thank today's participants from Regional Center Bhopal, LAP, Lucknow, Kolkata, Maharashtra, AP, Telangana, Kerala, Orissa, Assam, Madhya Pradesh, Manipur, Srinagar, Rajasthan, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Andaman and Nicobar, and athletes from all over India. And I also thank our anchor, Dr. Kiran Singh Ji, for giving good guidance in the program. And I also thank one and all for being with us. Thank you. Thank you so much, sir. Now, I'm signing off for today. We will meet on Saturday. Thank you so much, everyone. Enjoy your day. Thank you.